हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम जनरल एंट्री के आगे पर डिस्टेक करते हैं। हम आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक चीज़ें आपको सॉल्व कराया था, और आज की वीडियो में हम थोड़ा उससे एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको वीडियो रिचार्ज करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको टैली का या फोटोशॉप या फिर ओ लेवल कोई भी अगर कोर्स आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और यूनिक ऑनलाइन गुरु को डाउनलोड कीजिए ऐप को, और वहां से आप अपने ज्वाइन करके फुल कोर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देखते हैं। देखिए, मैं उससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक चीज़ें बताया था कि कैसे अगर कोई परचेस करें तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, और सेव करें तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, यही सब बताया था, छोटी छोटी चीज़ें बताया था। आज की जनरल एंट्री में हम उससे थोड़ा एडवांस जाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि राहुल परचेस ऑफ अ, ठीक है, राहुल परचेस ऑफ अ कंप्यूटर बाय कैश, यानी कि अब राहुल जो है परचेस क्या कर रहा है कंप्यूटर का, कितने का, कैश में और 5000 का, ठीक है। वो हम देखते हैं उसे जनरेट कैसे है, उसका हम एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं यहाँ पे, और आज मैं फॉर्मेट बना के भी उसका डिस्कस करते रहूँगा। बता, मैं आपको दो दिन बता रहा था कि फॉर्मेट बनाना, आप सोचा कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता होगा, आज मैं इसका फॉर्मेट भी बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए साथ साथ में दोनों देखेंगे, फॉर्मेट भी देखेंगे और इसका जनरल एंट्री भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राहुल परचेस ऑफ अ कंप्यूटर बाय कैश, कितने का, 5000, ठीक है। कि राहुल परचेस कर रहा है क्या कंप्यूटर ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर परचेस कर रहा है बाय कैश, ठीक है। राहुल क्या कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है किसके थ्रू, कैश के थ्रू, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि देखिए इसमें मैं बता रहा था कि जनरल एंट्री बनाते समय हम दो अकाउंट को ढूंढते हैं, पहले दो अकाउंट हमें मिल जाती है तो उसके बाद हम उसकी जनरल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। इसमें दो अकाउंट आपको देखना है कि कौन कौन सी है, बताइए इसमें दो अकाउंट कौन कौन सी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें दो अकाउंट कौन कौन सी होगी। पहला आपको दिख रहा होगा सामने कि कह रहा है कि राहुल परचेस, पहला मिला राहुल परचेस क्या कैश, ठीक है। तो राहुल परचेस कर रहा है कंप्यूटर परचेस कर रहा है ना, अब कैश के थ्रू परचेस कर रहा है, यही मिला ना आपको कि राहुल कंप्यूटर कैश के थ्रू परचेस कर रहा था, यहाँ दो अकाउंट आपको मिला होगा। तो जो परचेस कर रहा है तो मैं बताया था कि परचेस कौन से अकाउंट का, किस अकाउंट के अंतर्गत आती है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, बताइए कौन से अकाउंट के अंतर्गत आएगी, कौन से अकाउंट के अंतर्गत आएगी भाई। यहाँ पे परचेस कर रहा है क्या कंप्यूटर, तो पहले हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे परचेस हो रही है, ये कौन से अकाउंट के अंतर्गत आएगी, ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और क्रेडिट ऑल क्या है इनकम। तो यहाँ पे ये बताइए कि जब हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रही है कि लॉस हो रही है, कंप्यूटर पे एक्सपेंस हो रही है ना, तो एक्सपेंस हो रही है इसलिए जो हमारा कंप्यूटर होगा तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ से हमने यहाँ पे देखे हैं कि राहुल परचेस कर रहा है क्या कंप्यूटर को, किसको परचेस कर रहा है, एक कंप्यूटर को परचेस कर रहा है बाय कैश 5000, यानी कहने का मतलब ये है कि परचेस कर रहा था, परचेस हमारा एक्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो जब कंप्यूटर को हम परचेस कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रही है, क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रही है, और जब एक्सपेंस हो रही है इसलिए हमारा जो कंप्यूटर क्या होगा DR होगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। जब ये डेबिट हो जाएगा हमारा क्रेडिट में, अब देखिए क्रेडिट ढूंढेंगे क्या करेंगे, अब कैश पे जाएंगे, और कैश हमारा किस प्रकार का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट वाट कमिंग और क्रेडिट वाट गो जाओ। अच्छा ये बताइए, जब हम परचेस कर रहे हैं तो यहाँ हमारा कैश, हम आपको बताया देख, कैश हमारा क्या होता है, नगद होता है, और नगद यहाँ पर हमारा जा रहा है कि आ रहा है, कैश है ना, अब
परचेस कर रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर खरीदते समय अपना नगद देंगे ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, देखिए मैं क्या बता रहा था, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख लीजिए कंप्यूटर ठीक है, अकाउंट डीआर, हल्का सी स्पेस देंगे और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट ठीक है। हेलो, और मैं इसका नरेशन लिखने के लिए आपको बताया था कि अगर इसका नरेशन आप लिखना चाहते हैं, इसके नीचे इसका नरेशन लिख सकते हैं क्या, बीइंग क्या बोला था, नरेशन में कैसे लिखने के लिए बोला था, बोला था बीइंग परचेस, क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है ना, लिख सकते हैं परचेस, बीइंग परचेस क्या कंप्यूटर और क्या बाय कैश, किसके थ्रू, कैश के थ्रू, तो क्या लिख देंगे बाय कैश, ये रहा। और इसका अमाउंट फिल करना है तो आप इसका अमाउंट फिल कर दीजिए, 5000 है ना, तो मैं आपको बताया था कि थोड़ा सा स्पेस देंगे, अब यहाँ पर आएंगे क्या लिख देंगे 5000, और इससे थोड़ा सा स्पेस देके क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होता है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, कि 5000 भी 5000। तो ये तो रहा इसका जर्नल एंट्री बनाने का ये सिंपल तरीका, अब इसके फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे ठीक है, वो हम आपको बनाते बताते जाएंगे ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर उसका लास्ट में उसका फॉर्मेट बना ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पैड राहुल, कह रहा है पैड रेंट राहुल बाई कैश कितना 2000, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है नंबर दो, कह रहा है पैड का मतलब क्या होता है, पेमेंट कराना ठीक है, पैड राहुल ठीक है, पैड राहुल रेंट, क्या पेमेंट करा रहा है भाई, रेंट, पैड रेंट, यहाँ पे सुन, यहाँ पे पहले ही रेंट रहेगा, पहले यहाँ पे रेंट रहेगा, तो यहाँ पे पैड रेंट ठीक है, राहुल बाई कैश क्या है, बाई कैश कितना पेमेंट करा रहा है 2000 ठीक है। यानी कि देखिए राहुल रेंट पेमेंट करा रहा है कितने, कैश के थ्रू और 2000। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जब ये पेमेंट करा रहा है तो ये भी किस अकाउंट के अंतर्गत आएगी, ये भी किस अकाउंट के अंतर्गत आएगी बताइए, यहाँ पे मैं बताया था कि जो चीज़ें एक्सपेंस हो गई, परचेस करेंगे तो भी एक्सपेंस होगी, किसी को पैसा पेमेंट कराएंगे तो भी एक्सपेंस होगी, तो जो हमारे एक्सपेंस होगी वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट पर आएंगे। हाँ, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आपको बताया था कुछ में परचेस सेल, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में जो हमारे एग्जांपल में क्या आता है, परचेस आता है, सेल आता है, पेमेंट आता है, रिसीव करना है, पेमेंट करना, रिसीव करना ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट देना, ये सब हमारे किस में आता है, सब हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि ये नामांतर खाता है, इसे कोई नाम नहीं होती, तो नामांतर खाता में यही सब आता है ठीक है। एग्जाम्पल में अब आजी यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पैड रेंट राहुल बाई कैश 2000, यानी कि राहुल जो यहाँ पे राहुल क्या है रेंट पेमेंट करा रहा है क्या 2000 का, तो यहाँ हम क्या देख, दो चीज़ हमको मिलेगी, पहला क्या मिलेगी, पहला कौन सा होगा, पहला जो हमारा होगा डेबिट, और डेबिट में हमारा देखेंगे यहाँ पर दो अकाउंट हम पहले ढूंढते हैं, पहला हमारा क्या होगा राहुल ठीक है, पहला क्या होगा राहुल होगा ना, देखिए पहला राहुल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, पहला राहुल होगा और दूसरा हमारा अकाउंट क्या मिलेगा कैश, मिला कि नहीं मिला, दो मिला ना, ये पैड रेंट पेमेंट करा है कौन, राहुल और कैश को। अब राहुल हमारा किस प्रकार का अकाउंट होगा, पैसा पेमेंट करा रहा है, रेंट पेमेंट करा रहा है, क्या करा रहा है, रेंट पेमेंट करा रहा है, अब पेमेंट करा रहा है तो क्या होगा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है डेबिट और एक्सपेंस, इसलिए हमारा राहुल क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पेमेंट करा रहा तो एक्सपेंस होगा ना,
कोई चीज़ हम पैसे पेमेंट कराते हैं हमारे पास जाता है तो एक्सपेंस होता था ना, यहाँ पे रेंट पेमेंट करा रहे इसलिए एक्सपेंस होगा। आपके नॉमिनल अकाउंट में मैं आपको गोल्डन रूल पे आप अगर नहीं आपको देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके पहले वाली वीडियो में जा इससे पहले वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैं गोल्डन रूल लिख कर और एक एक करके विस्तार में बता दिया हूँ कि किस अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और उनका गोल्डन रूल कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रेंट पेमेंट करा जा रहा है तो ये एक्सपेंस हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आती है रेंट पेमेंट कराना और परचेज करना सेल करना सारा चीज़ें। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में जो हमारा एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, तो यहाँ पर रेंट पेमेंट करा रहे हैं इसलिए एक्सपेंस हो रही है, ये डेबिट हो जाएगा। और ये कैश है, और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्योंकि मैं बताया था कैश किससे रियल अकाउंट हमारा किससे संबंधित होता है, रियल अकाउंट हमारा एसेट से संबंधित होता है यानी कि संपत्ति से संबंधित होता है। और रियल अकाउंट जो संपत्ति से संबंधित होता है तो यहाँ हमारा कैश रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट वाट कमिंग और क्रेडिट वाट क्या गोज आउट, डेबिट वाट कमिंग और क्रेडिट वाट गोज आउट। यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे कमिंग हो रही है कि गोज आउट हो रही है या पेमेंट करा रहा है रेंट, मान लीजिए कोई आप रूम का रेंट ही भाड़ा रेंट दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ की रेंट दे रहे हैं, जब रेंट देंगे तो कैश आपके पास जाएगा आएगा कि आपके पास से जाएगा, भाई जाएगा ना, जब पेमेंट कराएंगे तो जाएगा ना, जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि डेबिट वाट ये क्या कहता है, क्रेडिट वाट गोज आउट, रियल अकाउंट का यही कहता है क्रेडिट वाट गोज आउट, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे क्रेडिट हुआ और ये कैसे डेबिट हुआ, दोनों समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और देखिए अब इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। अब जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना, बस कुछ नहीं करना है, दो अकाउंट हमें मिली और इसका जनरल एंट्री बनाना है तो सबसे पहले हम डेबिट को रखते हैं, उसके बाद किसको रखते हैं, क्रेडिट में। तो हमारा डेबिट में कौन सा है, राहुल है ना, तो राहुल रख देंगे, कह देंगे राहुल और अकाउंट क्या डीआर, ठीक है। और उसके बाद स्पेस देंगे टू लिखेंगे और टू लिखने क्या लिखेंगे, कैश के थ्रू है ना, इसलिए क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, क्या कैश अकाउंट बन गया कि नहीं बना, बना ना कैश अकाउंट। अभी इसके नीचे मैं आपको बताया था कि नरेशन लिखना है, अगर आप इसके नीचे नरेशन इसका लिखना चाहते हैं तो नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन लिखने के लिए क्या बताया था कि कैसे लिखते हैं, क्या पहले बीइंग से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे बीइंग, ठीक है बीइंग, अब क्या है पेमेंट करा रहा है ना, तो बीइंग पेड लिख दीजिए, बीइंग पेड पेड रेंट, ठीक है बीइंग पेड रेंट, ठीक है फॉर कैश, कैश से ना, इसलिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बाय लिख रहे हैं, यहाँ पर बाय भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर फॉर कैश भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है मनीष समझ में आया। अब इसका क्या करना है, इसका अमाउंट फिल करा देंगे, हमारा डी आर है, डी आर में कितना है 2000 है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं 2000। फिर क्या है, सी आर हमारा क्रेडिट है और क्रेडिट में हम जानते हैं दोनों इक्वल होता है, तो क्रेडिट थोड़ा इससे दूर होता है तो यहाँ पर 2000 लिख देंगे, बस हो गया हमारा जानकारी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना, ऐसे ही सारी जनरल एंट्री होती चले जाएगी। ठीक है, ये परचेज का हो गया, रेंट का हो गया, अब आगे जाते हैं रिसीप्ट, आ जाइए नोट भी करते जाइएगा साथ साथ में, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आ जाइए। अब क्या कर रहा है कि राहुल कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक, कितना डिपॉजिट कर रहा है इन HDFC बैंक 2000। मैं इस क्वेश्चन को अपने लिखवा दूँ उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राहुल यहाँ पर राहुल कैश डिपॉजिट, ठीक है राहुल कैश डिपॉजिट क्या है कि इन HDFC बैंक, इन HDFC, ठीक है और क्या बैंक HDFC बैंक कितना कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है, यहाँ पर 2000 देंगे इसका, ठीक है समझ में आया।
कि यानी राहुल जो है कैश डिपॉजिट कर रहा है इन HDFC बैंक को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि राहुल पैसा जमा कर रहा है HDFC बैंक में, पैसा जमा कर रहा है। कितना जमा कर रहा है? 2000 पैसा जमा कर रहा है। तो यहाँ भी हम देखेंगे दो अकाउंट हमें मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी? पहला HDFC बैंक की मिलेगी, और फिर पैसा जमा कर रहा है किसके थ्रू? तो कैश के थ्रू जमा कर रहा होगा ना, पैसा तो यहीं पर लिखा है ना, कैश डिपॉजिट यानी नगद जमा कर रहा। तो यहाँ पर हमें दो अकाउंट मिलेगी, पहला क्या मिलेगी हमको? HDFC बैंक मिलेगी। अब यहाँ हमें राहुल से नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब दो अकाउंट कौन कौन से बनेगी? पहला बैंक के बनेंगी और कैश की बनेंगी, क्योंकि पैसा बैंक में ही जमा किया जा रहा है ना, इसलिए बैंक लेयर कौन सी बनेंगी? बैंक की बनेंगी। हम टैली में जब हम इसकी एंट्री कराएंगे तो वहाँ पर लेजर बनती है, ठीक है, तो वहाँ पर बताएंगे। तो ये जनरल एंट्री अगर आपको नहीं भी आता होगा यहाँ से देख के, तो टैली में अब मैं एंट्री इसका कराऊँगा तो और अच्छे से डिस्कस हो जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ आप कोशिश, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाएगी, बस आप अच्छे से देखिए और समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, दो अकाउंट कौन कौन से अकाउंट मिल रही है? पहला हमें क्या मिल रही है? HDFC बैंक मिला ना, और उसके बाद क्या मिल रही है? कैश डिपॉजिट। दो अकाउंट मिली ना, HDFC बैंक और कैश डिपॉजिट। तो HDFC बैंक हमारा किस में आ जाएगा? ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इसमें आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्यों पर्सनल अकाउंट में आएगा? मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट का गोल्ड लोन में आपको मैं पढ़ाते हुए उसमें बताया था, अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया था कि पर्सनल अकाउंट जो है वो हमारे किसी संस्था, ठीक है, किसी कंपनी और किसी क्या पर्सन के नाम से जो अकाउंट बनते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो HDFC बैंक ये कोई संस्था है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई कोई नाम ही है ना, कोई संस्था ही है ना, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर, यानी कि जो प्राप्तकर्ता होता है वो डेबिट होता है और जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। ये बताइए, यहाँ जब हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक प्राप्तकर्ता है कि देने वाला है? जमा कर रहे हैं तो यह क्या है? प्राप्तकर्ता है, यानी कि लेने वाला है, ये ले रहा है ना, प्राप्त कर रहा है ना, जब प्राप्त कर रहा है तो ये बैंक हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ में आया कैसे डेबिट हुआ? ठीक है, अब आ जाइए क्रेडिट में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कैश डिपॉजिट, और कैश डिपॉजिट यानी जो हमारा कैश होता है ये हमारे रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गो जाओ। ये बताइए, जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कैश जो हमारा आ रहा कि जा रहा है? जा रहा है ना, बैंक में जा रहा, जमा कर रहे हैं तो बैंक में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारा क्रेडिट में हो जाएगी। यहाँ ऊपर आपको दिखा देते हैं क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट मिला कि नहीं मिला? जब डेबिट और क्रेडिट में मिल गया तो जनरल एंट्री में अभी बताया हूँ कि दो अकाउंट बस मुझे ढूंढना रहता है, और उसके बाद क्या है, डेबिट और क्रेडिट, और उसके बाद हम जनरल एंट्री अपना आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम डेबिट को रखते हैं, और डेबिट में हमारा क्या है? HDFC बैंक है ना, कि हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट क्या है, HDFC बैंक अकाउंट DR, स्पेस देंगे थोड़ा से और क्या लिखेंगे? 2, और इसके बाद कैश अकाउंट, कैश के थ्रू जमा कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट और CR नहीं लिखते। और इसका मैं बता रहा था कि अगर आपको नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख, हर का नरेशन लिख लीजिएगा, लिखना नहीं है लिख दिया जाता है ताकि मुझे मालूम चले कि क्या हुआ। अब ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक, बैंक लिखे, और बैंक लिखने के बाद क्या करेंगे? अब देखिए पैसा बैंक में जमा करा रहा है ना, तो इसका नरेशन जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? बैंक कैश डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट बैंक, क्या बैंक डिपॉजिट बैंक, क्या फॉर कैश या बाई कैश, आ जाइए लिखेंगे बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट बैंक, क्या बैंक। अब यहाँ पर आप फॉर लिख सकते हैं या फिर बाई, समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? समझ में आया ना। अब इसके बाद इसका अमाउंट फिल कराना है, तो अमाउंट फिल कराने के लिए आप फिल करा सकते हैं, देखिए कितना है, 2000 है ना, यहाँ 2000 डाल दीजिए,
और यहाँ भी क्रेडिट पर 2000 मैं बताया था कि क्रेडिट और डेबिट हमारा दोनों इक्वल होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होता है। समझ में आया क्या यार? समझ में आया ना? आगे चलिए देखते हैं, इसको नोट्स करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है? और इसी क्वेश्चन को आप लोग फिर से अपनी तरफ से लिखेंगे या ऐसा ही क्वेश्चन बना के आप लोग उसमें अभ्यास कीजिएगा, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि पैड सैलरी राहुल, ठीक है, पैड सैलरी राहुल बाय चेक। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगी, ठीक है, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज करेंगे। आइए बताता, चौथा नंबर है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग इसमें कोई नहीं रहेगी, बस मेरे बात कुछ सुनते जाइए और देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ से क्या कर रहा हूँ, ठीक। बस इतना अगर ध्यान से देखते जाएंगे तो मैं पक्का कर रहा हूँ कि जनरल एंट्री, आप जनरल एंट्री के खुद मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि राहुल, ठीक है, उसके बाद क्या पेमेंट करा रहा था, सैलरी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पैड सैलरी राहुल बाई चेक, या फिर ले देंगे राहुल सैलरी पैड बाई चेक, कुछ भी ले सकते, यहाँ पर ले देंगे राहुल सैलरी पैड बाई, इसके थ्रू पेमेंट करा रहा है, चेक के थ्रू, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, यहाँ पर लिखेंगे चेक। और कितना पेमेंट करा रहा है भाई राहुल, जो सैलरी पेमेंट करा रहा है तो कितना पेमेंट करा रहा है, 3000, यहाँ पर लिख लेंगे 3000। अब देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, अब देखिए कह रहा है कि राहुल सैलरी पेमेंट करा रहा है, पहले मतलब पेमेंट कराना बाय चेक के थ्रू, अभी आप लोगों को मिल रहा था कि कैश कैश, यहाँ चेक आ गया, तो जहाँ चेक आ जाए तो चेक कहने का मतलब क्या होता है, चेक कहाँ से मिलता है, हमारा बैंक से मिलता है ना, तो यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जो वो पैसा पेमेंट करा रहा है तो नगद नहीं दे रहा, किसके थ्रू पेमेंट करा रहा है, बैंक के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करा रहा है, या तो वो बैंक का चेक दिया होगा या फिर फोन पे किया होगा, मान लीजिए ऐसे ऑनलाइन आ गए हैं ना आजकल, फोन पे करना ये सब किस में आ गया रहता है, चेक के थ्रू, तो यहाँ पे फोन पे नहीं किया, ऑनलाइन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक दे रहा है। आज चेक हमारा किस में आता है, बैंक के अंदर आती है, तो जो हमारा चेक किसके अकाउंट के अंदर आएगी, क्या अकाउंट इसकी बनेगी, बैंक के अकाउंट बनेगी, क्योंकि बैंक अकाउंट क्यों बनेगी, क्योंकि हमारा चेक बैंक के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। अब आ जाइए, और चेक भी हमारा किस प्रकार का अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा, क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट भी हमारी बैंक आती है, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ हम दो अकाउंट देखते हैं, पहला ना क्या कर रहा है, सैलरी पेमेंट करा रहा है, तो पहला आपके अकाउंट कौन सा मिला होगा, पहला मिला होगा कि सैलरी पेमेंट करा रहा, क्या मिला होगा कि सैलरी पेमेंट करा रहा। अब जब सैलरी पेमेंट करा रहा तो ये क्या होगा, ये सैलरी है ना, अभी पेमेंट करा रहा तो एक्सपेंस हो रही है ना, बता था कि कोई चीज़ अगर हम पेमेंट कराएंगे, परचेस करेंगे तो, या किसी को दे रहेंगे तो क्या होगी, एक्सपेंस होगी ना, तो यहाँ पेमेंट करा रहा तो एक्सपेंस हो रही, एक्सपेंस किस में होती है, नॉमिनल अकाउंट में होती है भाई, नॉमिनल अकाउंट में होती है ना, तो नॉमिनल अकाउंट पर गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, कि जब यहाँ पे सैलरी पेमेंट करा रहे हैं तो एक्सपेंस हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट हो जाएगी, मिला ना। अब आ जाइए आगे, अब कह रहा है कि बाई चेक, यहाँ पर आपको अकाउंट और मिला होगा चेक का, और चेक हमारा किस में आता है, अब यहाँ पर हम जब जनरल एंट्री करते हैं तो यहाँ पर चेक नहीं लिखेंगे, यहाँ बैंक का नाम डालते हैं कि किस बैंक का ये चेक है, उसका अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है हमारा क्या, कौन सा अकाउंट हमारा आएगा, पर्सनल अकाउंट आएगा, अब पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जब पैसा पेमेंट कराया जा रही है किसके द्वारा, बैंक यानी चेक के द्वारा, अब यहाँ देने वाला कौन होगा, बैंक होगा ना, चेक के थ्रू दिया है तो देने वाला बैंक होगा ना, और लेने वाला आप पैसा पेमेंट कराया तो किसके पास आ रही है, ठीक है, एक्सपेंस किसके पास हो रही है, एक सैलरी के पास एक्सपेंस हो रही है, किसी को दिया जा रहा है, सैलरी पेमेंट किया जा रहा है तो उसके पास जा रही है, जब सैलरी यहाँ से हम पेमेंट करा रहे हैं तो खुद जब हम पेमेंट करा रहे तो हमें एक्सपेंस हो जाएंगे, अब किसके थ्रू दे रहा है, चेक के थ्रू, यानी बैंक दे रहा है, बैंक दे रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट कर देता है, पर्सनल अकाउंट का गोल्ड कर रहा है कि क्रेडिट इज द गिवर,
ये गिवर है, ठीक है। आप बताइए अब इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो अकाउंट मिलेगा हमें, डेबिट और क्रेडिट मिला दोनों, समझ में आया नहीं समझ में आया? ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है हमारा सैलरी, हम पैसा पेमेंट करा रहे हैं तो हम सैलरी जो पेमेंट करा रहे थे एक्सपेंस हो रहा है हमारे पास से, इसलिए डेबिट हो गया। अब यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ? क्रेडिट इसलिए हुआ ये बैंक है और बैंक के थ्रू हम पैसा पेमेंट करा रहे हैं तो बैंक देने वाला है, जब बैंक दे रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न अकाउंट का होल्डर वही कहता है कि क्रेडिट इज द गिवर, ये बैंक दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? गिवर, ठीक है, गिवर यानी क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक अकाउंट जो चेक है तो चेक हमारे बैंक में ही जाएगा और बैंक हमारे प्रश्न अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। अब आ जाइए जनरल एंट्री बनाते समय क्या करेंगे? पहला हम क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं ना, डेबिट में क्या है? सैलरी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट। अब क्या लिख देंगे? डीए, इसी स्पेस देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, कौन सा बैंक था भाई, कौन सा बैंक था? HDFC बैंक था ना, वही बैंक था ना, यहाँ भले से नाम नहीं दिया लेकिन चेक लिखा है तो हम कौन सा बैंक से अकाउंट ओपन किए थे? HDFC बैंक से ना, तो उसी का नाम लिख देंगे HDFC बैंक अकाउंट, समझ में आया? अब इसका नरेशन लिख रहा है तो नरेशन आप लिख सकते हैं, कैसे नरेशन लिखेंगे देख लीजिए, नरेशन कैसे लिखेंगे? बैंक से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे? बैंक, और सैलरी पेमेंट करा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बैंक सैलरी, बैंक सैलरी बाई कैश या फॉर चेक, कुछ भी लिख सकते हैं, बैंक पैड सैलरी, सैलरी फॉर कैश या बाई कैश, मैं आपको बताया था कुछ भी आप लिख सकते हैं, कैश नहीं सॉरी, यहाँ कैश नहीं, यहाँ चेक है ना, यहाँ चेक है ना, इसके क्या लिखेंगे? चेक, कैश रहता तो हम कैश लिखते लेकिन यहाँ पर कैश नहीं होकर क्या है? चेक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? चेक, आ गया ना, बस बन गया। अब इसका अमाउंट फिल कराना ना, तो अमाउंट फिल करा दीजिए, कितना कितना अमाउंट है? 3000 है ना, तो डेबिट में डाल दीजिए 3000, और क्रेडिट में कितना डाल दीजिए? 3000, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि कैसे बना है, समझ में आ गया ना? अब चलिए आगे देखते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 है, आइए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यहाँ से मैं आपको बताऊँ, देखिए 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि परचेज सेल फोन, यानी कि अब सेल फोन को हम परचेज करें, तो यहाँ कह रहा है कि परचेस सेल फोन राहुल बाई क्रेडिट कितना? 4000, राहुल बाई क्रेडिट 4000, ठीक है, यानी कि जो राहुल है वो क्रेडिट में क्या कर रहा है? पैसा क्या कर रहा है? परचेस कर, सेल फोन परचेस कर रहा है, किससे? मोहन से, क्योंकि जब क्रेडिट में कर रहा है, मैं बताया था कि जो कैश मिला था तो वहाँ कैश दिखा रहता है, लेकिन अगर कोई चीज़ क्रेडिट में, क्रेडिट कहने का मतलब क्या होता है? उधार, ठीक है, उधार में अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वहाँ हमें पार्टी का नेम शो कराना पड़ता है, यानी कि जिस व्यक्ति को आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, उससे परचेस कर रहे हैं या उसको सेल करा रहे हैं, तो उसका नाम हम लिखते हैं, लेजर बनाते समय उसका नई पार्टी का नेम हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री में तो लेजर बना रहे थे, ठीक है, तो जनरल एंट्री में नहीं बना रहे तो हम उसका नाम लिखेंगे जिससे हम क्या किए हैं? परचेस किए हैं क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि परचेस सेल फोन बाई क्रेडिट, आप लिखिए, कह रहा है परचेस, परचेस सेल फोन, परचेस सेल फोन बाई क्या? क्रेडिट, क्रेडिट बाई क्रेडिट। अब क्रेडिट कितने का? सेल फोन हमारा है कितने का? 4000 का, छोटा वाला मोबाइल है, ठीक है, सेल फोन है, कितने का? 4000 का। अब कह रहा कि भाई जब यहाँ पर क्रेडिट में जब परचेस कर रहा था, अब किससे परचेस कर रहा? वहाँ नाम भी तो होगा ना, राहुल ही परचेस कर रहा है, परचेस सेल फोन बाई क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा कि परचेस सेल फोन बाई राहुल सेल फोन, यहाँ सॉरी यहाँ पे राहुल है, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे आ जाइए,
तरह की परचेज सेल फोन राहुल कौन है? राहुल ही है ना, राहुल बाय क्रेडिट, क्या है क्रेडिट, राहुल बाय क्रेडिट, और कितने का? राहुल भाई क्रेडिट और कितने कर रहा है? 4000, कितने का? 4000। अब इसका एक नाम दे देंगे, इससे कर रहा है, इससे कर रहा है भाई, परचेज कर रहा था क्रेडिट पे, परचेज कर रहा था। यहाँ पे हम जब क्रेडिट करते तो अंडर ग्रुप बनता है और पार्टी का नाम डालते हैं, तो यहाँ पे कर रहा है कि जब परचेज कर रहा था किससे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मोहन, अब समझ में, अब ट्रांजेक्शन पूरा होगा फाइनल। अब देखिए कह रहा है कि परचेस, क्या कह रहा है? कह रहा कि परचेस सेल फोन राहुल भाई क्रेडिट 4000 टू मोहन, ठीक है। कह रहा कि जो राहुल जो सेल फोन परचेस कर रहा है लेकिन क्रेडिट में परचेस कर रहा है, और किससे परचेस कर रहा है? मोहन से। मोहन का नाम क्यों शो कराया गया है यहाँ पे? क्योंकि उधार में खरीद रहा है, जब उधार समझते खरीदते समय वहाँ पे पार्टी का अनाउंस से कराते हैं, तो यहाँ भी आपको दो अकाउंट मिलेगी। पहला मिल जाएगी क्या, क्रेडिट में पक्का परचेस करा किससे? मोहन से, तो मोहन हमारा मिल जाएगा। और मोहन हमारा किस प्रकार का अकाउंट होता है भाई? मोहन हमारा कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे एक ये मिल गया पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब आप आ जाइए यहाँ पे, सेल फोन परचेस कर रहा ना, परचेस कर रहा ना, ये किस में आ जाएगा? नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल आ गया ना। जब यहाँ पे सेल फोन परचेस कर रहा है और किससे? मोहन से, दे रहे। जब परचेस कर रहा तो क्या हो रहा है? मैं इस शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ, परचेस कर रहा तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है ना, परचेस कर रहा तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। तो जब एक्सपेंस हो रहा है किस पे? सेल फोन पे। तो सेल फोन परचेस कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस किस पे? सेल फोन पे। तो इससे सेल फोन हमारा क्या हो जाएगा ये? और नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, यानी कि जितने एक्सपेंस हो जाए वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए जो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? अब आ जाइए, अब कह रहा है कि बाई क्रेडिट से मोहन से। अब मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम पर्सनल अकाउंट के अंदर दी जाती है। और पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता है कि डेबिट वार, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है, तो जो परचेज कर रहा है जो भी किसी, अब यहाँ पे जब हम मोहन को कहिए कि मोहन रिसीवर होगा कि क्रेडिट होगा, गिवर होगा, क्या होगा? रिसीवर होगा कि गिवर होगा भाई? गिवर होगा ना, क्योंकि जब यही किसे राहुल से परचेज कर रहा है, सेल फोन राहुल से परचेज कर रहा है मोहन, मोहन क्या है? राहुल से परचेज कर रहा है सेल फोन क्रेडिट के थ्रू, उधार में खरीद रहा है। तो राहुल इसका नाम लिखेगा ना, मोहन का नाम लिखेगा ना, तभी तो ये देने वाला मोहन ही होगा ना। आज नहीं दे रहा तो कम से कम एक दिन दो दिन जितना दिन बाद आएगा देगा, तो देने वाला तो राहुल ही होगा ना, पैसा तो पेमेंट राहुल ही कराएगा ना, क्रेडिट नहीं खरीद रहा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया क्या यार, ये क्रेडिट क्यों हुआ? इसका पार्टी नेम मोहन है, मोहन ही सेल फोन परचेस कर रहा, किससे? राहुल से परचेस कर रहा बाई क्रेडिट के थ्रू। अरे बाई क्रेडिट के थ्रू परचेस कर रहा यानी उधार खरीद रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई दुकान, मान लीजिए कोई आप दुकान ओपन किया, ठीक है, वहाँ पे कोई क्या हुआ, कस्टमर आया और वो आपका जान पहचान का है, आपसे क्या लिया? कोई सामान ले लिया, ठीक है, ठीक है। सामान लेने के बाद क्या किया वो? कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। और क्या कहेगा? जब पैसा नहीं तो उसी तरह जाएगा, कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बोलता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा नाम लिख दीजिए, यानी मेरे अकाउंट में नोट कर लीजिए। अकाउंट में नोट करने का मतलब क्या हुआ कि उसके नाम से आप एक अकाउंट बनाए रहेंगे, ठीक है। अब वहीं पर आपको जितना उधार ले जाता है सारा लिख लेते हैं, और जिस दिन वो पेमेंट पैसा लेकर आएगा वो सारा अपने अकाउंट देखेगा, और उसे अकाउंट के अंदर कितना पैसा है, कब कब ले गया है, सारा को ऐड करने के बाद क्या करेगा? पेमेंट का आपको करा देगा, यानी पैसा आपको दे देगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो मोहन है राहुल से परचेस किया, यानी कि राहुल क्या है? दुकानदार वाला है, और मोहन क्या है? कस्टमर है। तो ये जब गया है तो सेल फोन जब परचेस किया है तो क्या बोला कि उधार हम परचेस कर रहे हैं, उधार हम परचेस कर रहे हैं, बाद पैसे, मतलब उधार परचेस करने में क्या है, पैसा बाद में देंगे। तो राहुल क्या करेगा? इसका नाम लिखेगा ना इसके अकाउंट में, यानी किसके अकाउंट से, इसके नाम से एक अकाउंट बना रहेगा, और उसमें क्या करेगा? इसका अमाउंट फिल करेगा ना,
क्योंकि जब बाद में आएगा ये पेमेंट कराने तभी वो देखेगी तो बताएगा कि तुम इस डेट पे इतना ले गए थे, ये ले गए थे इतने पैसे का, इसीलिए हम क्या करते हैं तो ये क्रेडिट जो क्रेडिट में होता है तो उस हम पार्टी का नेम शो करा लेते हैं। और जब पार्टी का नेम शो कराते हैं तो आज नहीं तो कल वो देगा ही, इसलिए क्या होगा ये देने वाला होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब आ जाइए आगे। अब इसका क्या करेंगे, गोल्डन रूल बनाएंगे, सॉरी गोल्डन नहीं जनरल एंट्री बनाएंगे। अब जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, इतना आ गया तो जनरल एंट्री भी आ जाएगा। अब जनरल एंट्री भी बनाना है, सबसे पहले हम क्या रखते हैं डेबिट, और डेबिट में हम क्या देखिए परचेस कर रहे हैं तो क्या परचेस कर रहे हैं, सेलफोन ही परचेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेलफोन। सेलफोन अकाउंट डी आर टू क्या है मोहन है ना, मोहन अकाउंट। अब यहाँ कुछ नहीं, अब यहाँ पे इसका नरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे बी ये क्या लिखेंगे बी ठीक है परचेस सेल फोन परचेस सेल फोन करना बींग परचेस सेल फोन फॉर क्रेडिट क्या करेगा फॉर क्रेडिट क्रेडिट के ही थ्रू परचेस किया है ना, यहाँ पे इसलिए करेंगे फॉर बस। और इसका अमाउंट फिल करा देंगे कितने का किया है 4000 का ना, यहाँ पे 4000 लिख देंगे और यहाँ पे 4000। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था मतलब घुमावदार था, लेकिन फिर भी समझ में आया कि नहीं आया। घुमावदार मतलब क्या, मतलब ये पहला क्वेश्चन अभी आपको कराया है ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सॉल्व हो जाएगा ना, क्रेडिट में अगर कोई क्रेडिट में परचेस करा सॉल्व हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट्स भी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छठवां नंबर क्या करा है, छठवां नंबर है ना ये फाइव था ना ये छठ देखते हैं वो क्वेश्चन क्या करा है हमारा ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है राहुल कैश विथड्रा ठीक है, राहुल कैश विथड्रा फॉर बैंक 4000। यानी कि अब यहाँ पर जो राहुल पैसा बैंक में जमा किया था उसमें से क्या कर रहा है 4000 जमा किया था, वही पैसा हमारा क्या कर रहा है निकाल रहा है, अब विथड्रा कर रहा है। यानी कि जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो उसको विथड्रा करेंगे तो उसका जनरल एंट्री में कैसे बनाएंगे ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसका बनाते हैं। अब आ जाइए कह रहा है राहुल कैश विथड्रा ठीक है, राहुल कैश विथड्रा फॉर बैंक किससे बैंक से फॉर बैंक कितना 4000। अब कुछ इतना पैसे इसमें से निकालना है उतना आप निकाल सकते हैं ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई सर यहाँ देखिए राहुल के बैंक के कैश डिपॉजिट जमा करा रहे हैं, कैश के डिपॉजिट यानी कि क्या कर रहे हैं सैलरी, हाँ सैलरी आप पेमेंट करा दिए हैं राहुल को 3000 यानी 4000 जमा किए थे और सैलरी 3000 जमा कर पेमेंट करा दिए बैंक के थ्रू, तो हमारे बैंक में 4000 तो नहीं 1000 बचा होगा, तो भाई ठीक है कोई बात नहीं 1000 ही ले लीजिए यहाँ पे 4000। हम जब डिपॉजिट किए थे जिसमें से हम 3000 में क्या किए थे रेंट को, क्या कहें रेंट ना, रेंट ही था ना नहीं सैलरी था, क्या था सैलरी था, यानी सैलरी हम पेमेंट करा दिए 3000 का, तो कितना बच गया बैंक में हमारा कितना बच गया होगा 1000 बच गया, तो 1000 बचा तो यही है वही कह रहा है कि विथड्रा है, यानी कि अभी भी तो 1000 बचा है ये भी क्या कर रहा है वो ड्रा कर रहा है यानी बाहर निकाल ले रहा है बैंक से। अब यहाँ पे जब बैंक से निकालेगा तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से अकाउंट मिलेगा, पहला देखिए पहला हमारा कैश विथड्रा कर रहा है यानी नगद ही निकाल रहा है, तो
तो पहला ही एफडी मिल गया। आज किससे निकालना है? बैंक से निकालना। अब बैंक हमारा नाम क्या था? HDFC बैंक था ना, तो वहाँ पे हम HDFC बैंक लिख सकते हैं या फिर सिर्फ बैंक रहेगा तो बैंक रह जाएगा। जनरल इंटरव्यू में बनाते समय, लेजर में बनाते समय उसका हम बैंक का नाम पूरा लिख लेंगे, ठीक आ जाएगा। तो यहाँ कैश भी ड्रा कर रहा है और यहाँ पर बैंक है, अब निकाल रहा है कि यहाँ पर देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। अब ये कैश क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का हमारे गोल्डर क्या कहता है कि डेबिट पार्ट कम इन और क्रेडिट वाइज गो जाऊ। अब बताइए ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? जो ड्रॉ रहा था डेबिट होगा क्रेडिट होगा? इसके पास आ रहा है यानी पैसा जब बैंक से ड्रॉ कर रहा है तो इसके पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? क्या हो रहा है भाई? आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है, क्योंकि हमारा रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट कार्ड कम है। जब ड्रॉ करेंगे यानी कि देने वाला कौन हो जाएगा? आप बैंक से ड्रॉ करेंगे ना, तब देगा कौन? बैंक। और कैश के थ्रू हम ड्रॉ कर रहे हैं यानी नगद आएगा ना मेरे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है कि ये देने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? यहाँ पर इसका जर्नल एंट्री बनाते समय क्या करेंगे? वही लिख लेंगे, पहला डेबिट लिखेंगे ना, डेबिट में क्या है? कैश लिख लेंगे। कैश अकाउंट डी आर टू क्या है? HDFC बैंक है ना, तो यहाँ पर बताऊँ ना कि यहाँ पर पूरा बैंक का नेम लिख सकते हैं, HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इसका नरेशन आप लिखना चाहते हैं तो नरेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या है? बीइंग कैश विथड्रा है ना, बीइंग कैश विथड्रा, देख लीजिए कैश विथड्रा पीएल डाउन ड्रा बाय कैश फॉर बैंक हो गया, ठीक है, टू बैंक, क्योंकि ड्रॉ किससे कर रहा है? बैंक से कर रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? टू बैंक, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसका अमाउंट ध्यान फिल करना है, फिल कर दीजिए 1000 यहाँ पे और 1000 कैश विथड्रा टू बैंक या फोर बैंक, ठीक है, कुछ भी आप कह देते हैं टू या फोर दे, समझ आ गया? समझ आया क्या? एक नहीं आया, समझ में आया ना? चलिए, यानी कि यहाँ बैंक से हम पैसा विथड्रॉ कर रहे थे, जब विथड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पे देने वाला बैंक था इसलिए वो क्रेडिट में हो गया, और कैश के थ्रू हम विथड्रॉ कर रहे थे यानी कि नगद आ रहा था इसलिए क्या हो गया? डेबिट हो गया। समझ में आया क्रेश बन रहा है? चलिए साथ में नोट करते जाइएगा। अब आ जाइए अगला कौन सा क्वेश्चन? अब सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? सातवां मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट 50,000 यानी कि 50,000। इसको तो पहले होना चाहिए, सबसे पहले इसी को होना चाहिए, ट्रांजेक्शन को सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन ये सातवें नंबर पर अभी हम इधर उधर लिखे, मतलब आपको बेसिक से रियल बाजी से बता रहा है, ठीक है। जब इसको हम जनरल एंट्री सही तरीके से बताएंगे तो आप इसको सुबह से एक अच्छी सी जनरल एंट्री देंगे और उसके शुरू से ट्रांजेक्शन है। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे, सिर्फ सिखा रहे हैं। जब हम बताएंगे तो वहाँ पे पहले स्टार्ट होगी, फिर से क्या होगी? बैंक में जमा होगी, विड्रा होगी, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, पेमेंट कराएंगे, रिसीव करेंगे, इस तरह के ट्रांजेक्शन। लेकिन अभी सिर्फ सिखा रहे हैं तो पहले परचेज, फिर से सेल, ऐसे सब चीज़ें ऐसे बताते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट कितना? 50,000 यानी कि बिजनेस अब यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यानी बिजनेस का कोई ओनर है और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कितने का? कितने से? 50,000 से। और बिजनेस ओनर राहुल जैसे मैं किसी का नाम, मान लीजिए मैं बोलूँ कि राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट कितने का है? राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट
50,000, यानी कि राहुल जो है पैसा यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000, या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, या मैं किसी का नाम दे दूँ या फिर मैं ले दूँ सिर्फ क्या स्टार, ठीक है, स्टार बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस विद कैश डिपॉजिट, विद कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट 50,000। यहाँ पर आपको आगे राहुल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अब आ जाइए। अब यहाँ पर आपको दो अकाउंट मिल रही होगी, कौन कौन सी, यहाँ पर आपको दो अकाउंट मिलेगी, कौन कौन सी अकाउंट मिलेगी, पहला देखेंगे हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है किसके थ्रू, यहाँ की जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट करने वाला बिजनेस का ओनर होगा, उसका कुछ नाम होगा, अगर यहाँ पर मैं नाम दिया होता क्या राहुल, तो उसका अकाउंट बनाया था क्या राहुल कैपिटल, यानी कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो बिजनेस का ओनर होता है उसको कैपिटल के थ्रू हम क्या कराते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है, बिजनेस का ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसका लेजर किससे बनाते हैं, कैपिटल से बनाते हैं, ठीक है, इसलिए आप हमारा क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के थ्रू, कैश कर रहे हैं तो बताइए क्या ये कैश क्या होगा हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अंतर्गत ये क्या होगा डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सही डेबिट या क्रेडिट, रियल अकाउंट में हमारा जो गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट वाट गो जाओ, और बिजनेस स्टार्ट कोई कर रहा ओनर कर रहा होगा, जब बिजनेस स्टार्ट ओनर कर रहा है यानी बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये कैश के थ्रू क्या कर रहा है, पैसा उसके पास आ रहा कि जा रहा है, यानी जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जाएगा कि आएगा, जाएगा ना, तो इसके पास से जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और ये कैश के थ्रू है तो कैश के थ्रू पास उसको जाएगा, फिर वही किसी को देगा, कैश ही देगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये क्रेडिट हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा कि बिजनेस का ऑनर किसको किसके थ्रू पर किससे, ठीक है, देखते हैं कैश, कैश क्या होगा, बिजनेस का ऑनर है, कैपिटल है, अब कैपिटल है तो वो स्टार्ट कर रहा होगा बिजनेस, अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा तो ये क्या बोला गिवर यानी देने वाला होगा, यानी कि यही देगा, क्या होगा बिजनेस का ओनर है, बिजनेस में कुछ एक्सपेंस करेगा खर्च करेगा देगा, ठीक है, तो एक्सपेंस करेगा खर्च करेगा तो इसलिए क्या हो जाएगा डेबिट, सॉरी ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं ये क्रेडिट, कैश अब एक्सपेंस करेगा तो कैश के थ्रू ही एक्सपेंस करेगा, इसलिए हमारा कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, समझ में आया, कैश हमारा क्या हो जाएगा एक मिनट यहाँ पर कंटिन्यू हो रही इसे आपको समझा लेना, बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, तो बिजनेस का ऑनर किससे थ्रू देंगे कैपिटल से, ये बताइए यहाँ पर बिजनेस का जो ऑनर कैपिटल होगा जो पैसा जब स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैपिटल वो बिजनेस ऑनर एक्सपेंस करेगा, ठीक है, यानी पैसा देगा यानी कि कोई कैश के थ्रू उसके पास आएगा वो, ठीक है, कुछ एक्सपेंस करेगा तो क्या क्या एक्सपेंस करेगा कैश, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये कमी नहीं यही होगा ना, यहाँ तो इस कंफ्यूजन में कमी नहीं होगा ना, कैश ही कमी होगा ना बिजनेस कंपनी के पास, इसलिए कैश आएगा तो इसलिए उसके पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट, और बिजनेस का कैपिटल है, ठीक है, तो जो कैपिटल है तो वो क्या हो जाएगा क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि जब ये क्रेडिट इसलिए होगा जब बिजनेस वो स्टार्ट करेगा तो वो देगा कुछ चीज़ें ऐसी देगा, ये आएगा तो इसी को जब स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं दे देगा, इसलिए क्या हो जाएगा डेबिट, और समझ में आ गया ये क्रेडिट, सॉरी यहाँ पर डेबिट हो गया, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, जब देगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, अब आ जाइए अब बिजनेस, अब यहाँ पे जब डेबिट है तो सबसे पहले क्या करेंगे कैश से अकाउंट, जनरेट अकाउंट में क्या करेंगे कैश से अकाउंट, और कैश से अकाउंट क्या डेबिट, कैश से अकाउंट डेबिट, अब बिजनेस का ऑनर है, अब बिजनेस का ऑनर का जो हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे कैपिटल के थ्रू, किसके थ्रू कैपिटल के थ्रू, तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा टू लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे कैपिटल, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल, बस
हो गया ना। अब इसका नरेशन लिखना है तो आप इसका नरेशन लिख सकते हैं। इसे लिख रहा हूँ बीइंग, बीइंग क्या बिजनेस स्टार्ट करा ना, तो बीइंग स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, फोर्थ बिजनेस बीइंग स्टार्ट बीइंग एस ई स्टार्ट बिजनेस फॉर क्या, ठीक है। अमाउंट यहाँ फिल करा दीजिए, कितना कितने का है, 50,000 यहाँ है, 80,000। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया है? ठीक, 50,000 हो गया ना, समझ में आ गया ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्पेलिंग होती है लेकिन यार टैली मॉस्ट समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, कैश के थ्रू, ठीक है। कैश इसलिए डेबिट होगा क्योंकि वो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास कैश आएगी, यानी कहीं किसके थ्रू भी कहीं से भी आए लेकिन उसके पास आएगी। और जब वो कैपिटल यानी बिजनेस का ओनर है, कैपिटल है, क्रेडिट ये होगा क्यों, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो कुछ नगद सारी चीज़ें मतलब अपने अपने पास से कुछ एक्सपेंस करेगा, देगा, खर्च करेगा, इसलिए तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, इसलिए वो क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो कह रहा है, पहले अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राहुल परचेस ऑफ चेयर, ठीक है, 3000 एंड टेबल 4000 बाई कैश। अब यहाँ पे दो चीज़ परचेस कर रहा है, क्या क्या परचेस कर रहा है, पहला परचेस कर रहा है कि चेयर, अब फिर क्या परचेस कर रहा है, टेबल, और इसमें कैश में अभी तो सिंगल हम परचेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे डबल परचेस कर रहा है, चेयर और टेबल दोनों परचेस कर रहा है और कैश के थ्रू परचेस कर रहा है, ठीक है, तो कैश के थ्रू परचेस कर रहा है, इसलिए हमारा कैश रियल अकाउंट पर आएगी, रियल अकाउंट पर परचेस होगा। अब यहाँ पर परचेस होते एक्सपेंस हो रही है और रियल अकाउंट एक्सपेंस हो रही है, डेबिट हो जाएगी, और वो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट क्या हो जाएगी, उसके पास क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो जब परचेस करेगा तो वो आएगा ना, तो क्या करेगा, वो एक्सपेंस हो गई तो वो डेबिट और ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी इसका जब हम लिखवा देंगे तो बता देते हैं, परचेस परचेस, क्या क्या परचेस कर रहे थे हम लोग, परचेस चेयर, राहुल परचेस चेयर, उसके लिए भी यहाँ राहुल का नाम लिख लीजिए, राहुल परचेस परचेस चेयर कितने का, 3000 का था, एंड टेबल टेबल कितने का था, 4000 का था, क्या भाई कैश था ना, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि राहुल दो चीज़ परचेस कर रहा है, एक चेयर परचेस कर रहा है, एक टेबल परचेस कर रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर दो अकाउंट हमें मिल रहा है, कुछ नहीं करना भाई, जो पहले बताया था बस वही है, थोड़ा सा बस यहाँ पर दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहला चेयर होगा दूसरा टेबल हो गया, इसके थ्रू कर रहा है, कैश के थ्रू कर रहा है। अब देखिए जब ये राहुल परचेस कर रहा है यानी कि परचेस करते एक्सपेंस हो रहा है, किसके ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, चेयर और टेबल पे, इसलिए हमारे दोनों ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, जिसके ऊपर से एक्सपेंस, जिसके वजह से एक्सपेंस होता है वो दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट, यही परचेस करा है ना, हाँ डेबिट, यही परचेस करा तो एक्सपेंस हो रहे थे, डेबिट क्या हो जाएंगे, दोनों डेबिट हो जाएंगे, आप कैश आ जाइए, कैश के थ्रू पेमेंट करा रहा है, यानी कि ये हमारा किसका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का डेबिट वार्ड कमिंग और क्रेडिट वार्ड हो जाओगे। अच्छा ये बताइए, जब आप परचेस कर रहा है तो परचेस करा तो कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, पेमेंट करा तो आप जिससे जिससे परचेस कर रहे हो उसको पैसा देंगे ना, कैश देंगे ना, तो कैसा क्या होगा हमारा, जाएगा, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, मिल गया तो नहीं हो गया, समझ में आया ना,
बस वही तो है भाई, बस यहाँ पर दो चीज़ें हो गई है, परचेसिंग कर रहे हैं चेयर और टेबल, तो दोनों जब एक्सपेंस परचेस एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट में, परचेस एक्सपेंस होता है, किस पे एक्सपेंस हो रहा है, चेयर और टेबल पे एक्सपेंस हो रहा है, चेयर और टेबल पे क्या रहा है एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए दोनों डेबिट हो जाएंगे, और कैश के थ्रू क्या अगर पेमेंट करा रहा है यानी कि दे रहा है, इसलिए क्या क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका एक जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे देख लीजिए, और यहाँ पर दोनों लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे पहले क्या लिखेंगे चेयर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कॉस्ट बहुत सारे आइटम हैं, या तो आप इसका एक एक करके नाम लिखेंगे कि चेयर अकाउंट डी आर, फिर से इसको नीचे लिखेंगे टेबल अकाउंट डी आर, फिर से तब लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लेकिन बता रहा ऐसे लिखेंगे चेयर अकाउंट डी आर, फिर क्या लिखेंगे टेबल अकाउंट डी आर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस देंगे तब क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक। अब इसके बाद इसका नरेशन लिखते समय इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, इसका नरेशन ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बेइंग परचेस, बेइंग परचेस। अब बहुत सारे जब होंगे तो उसका नाम नहीं लिखते हैं, अब एक करके लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या लिख देते हैं सिंपल से फॉलो होगा गुड्स, यानी कि बात इन परचेस गुड्स या फॉर कैश या बाय, ठीक है, या बाय लिख लेते हैं, फॉर नहीं बाय कैश लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं बाय कैश, ठीक। और यहाँ पर इसका अमाउंट फिल कराएंगे तो कैसे फिल कराएंगे, अब देखिए जब अमाउंट फिल कराएंगे तो पहले ये डेबिट को दोनों को देंगे, शेयर कितने का है 3000 का है यहाँ पर डाल देंगे, फिर से टेबल हमारा कितने का है 4000 का है यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम दोनों को ऐड करके क्रेडिट में लिखेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे कैश में 6000, क्योंकि कैश को दोनों का एक ही साथ में ऐड करने के बाद ही पेमेंट करा रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा 7000, और ये चेयर और अकाउंट अलग अलग है इसलिए इनका अलग अलग अमाउंट, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत सारे आइटम हैं आपको नहीं लिखना है एक एक का नाम, मतलब एक एक का नाम ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट परचेस अकाउंट का एंट्री बना लीजिए, ठीक है, पहले इसको फिल कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ, हो गया ना। आप देखिए या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप क्या करें, ये दोनों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप नहीं लिख रहे हैं तो क्या करना है कि आप यहीं पर क्या करिए डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिख लीजिए इन दोनों को लिख दीजिए, आ जाइए एक आपका लिख दीजिए परचेस, क्या परचेस होता हूँ, और क्या भैया कितने का हो रहा है भाई, दोनों को ऐड कर लीजिए, परचेस कर रहे हैं तो क्या क्या परचेस कर रहे हैं, 3 का चेयर परचेस कर रहे हैं और 4 का यहाँ पे क्या कर रहे हैं टेबल परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे 4 का टेबल परचेस कर रहा है, ठीक है भाई गलती से इनपुट भी है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया ना कि 3 का चेयर परचेस कर रहे हैं और 4 का टेबल परचेस कर रहे हैं, तो जब दोनों परचेस अब यहाँ परचेस का अकाउंट बनाए तो सारे को ऐड करके परचेस में लिखते हैं, तो फिर दोनों को ऐड करने के बाद अगर 7, तो यहाँ पर हम 7 डाल लेंगे, क्या करेंगे 7 डाल लेंगे अपन, फिर कर देंगे यहाँ पे 7000 ये 7000 वर्क नहीं हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर 1 से 2 है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1, 2 से ज़्यादा है 3, 4, 5 है तो वहाँ पर आप नाम नहीं लिखेंगे, तो ऐसे लिख के यानी परचेस अकाउंट या टू कैश अकाउंट, ऐसे इसका पूरा को तब उसका पूरा मतलब जितना अमाउंट होगा सबको जितने गुड्स होंगे उन सबके अमाउंट को ऐड करेंगे और परचेस अकाउंट में डाल कर उसको कैसे थोड़ा पेमेंट कराएंगे, या क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट या कैश होगा तो कैश में उसको डाल देंगे, समझ में आया ना, समझ में आया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कैश विथड्रा, ठीक है, कैश विथड्रा अ पर्सन पर्सनल यूज इन राहुल, कह रहा है कि अब ये राहुल कौन था, यही तो हमारा बिजनेस ओनर था, मैं बताया था ना कि बिजनेस ओनर कोई होगा उसका नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अब यहाँ पे ये कर रहा है कि ये जो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए
5000 क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। तो इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं। आ जाइए, नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है ना, यहाँ पे नाइन लिखे। भाई बस अच्छे से देखते जाइएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक एक इतनी अच्छी बेहतरीन से बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से इसको देख लेंगे, पढ़ेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, आइए क्या कह रहा है कि कैश विथड्रा, कैश विथड्रा, ठीक है, कैश विथड्रा ऑफ पर्सन यूज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज इन राहुल, राहुल 5000 कह रहा कि कैश में पैसा ड्रा किया जा रहा है, निकाला दिया जा रहा है, किसके पर्सनल यूज के लिए, कौन निकाल रहा है, राहुल ने निकाल रहा है कि राहुल ने अपने पर्सनल यूज के लिए 5000 पैसे क्या कर लिया, निकाल लिया, बिजनेस से निकाल लिया, यानी कि 50000 जमा किया था तो उसमें से क्या किया 5000 पैसा निकाल लिया। ठीक है, क्या किया 5000 निकाल लिया, तो उसका जन्म की फिक्स बनेगा। अब पहला मिला कैश, पहला क्या मिला, कैश मिला ना, पहला कैश, क्योंकि पैसा कैश के थ्रू ही निकालना, तो पहला क्या मिला कैश। उसके बाद निकालने वाला कौन है, राहुल है ना, ये पर्सनल यूज के लिए ये तो निकालना है ना, लेने वाला कौन है, राहुल है ना, ये बस ये आ गया राहुल, दो अकाउंट मिल गया कैश और राहुल। तो कैश हमारा जब पैसा निकाला जाए तो कैश का रियल अकाउंट ये कहता है कि क्या करता है, रियल अकाउंट होल्डर रहते हैं किस रिजन, ये कलर कहता है कि डेबिट वार्ड कमिंग और क्रेडिट वार्ड यूज। अब पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है, ड्रा किया जा रहा है, तो क्रेडिट से क्या होगा, जाएगा कि आएगा, क्रेडिट क्या होगा, जाएगा कि आएगा, अब यहाँ क्रेडिट जाएगा, क्रेडिट द्वारा कैसे यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कि ये जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है, इसलिए क्या जाएगा, किसके पास जाएगा, राहुल के पास। और राहुल क्या होगा, किसी का नाम है, पर्सनल यूज पर्सनल अकाउंट में आएगा, और पर्सनल अकाउंट का क्या कहता है गोल्डन रूल कि डेबिट इज द रिसीवर, यानी कि अब ये पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो इसके पास क्या होगा, रिसीव होगा, प्राप्त करता होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। अब कैसे बनाएंगे इसका जनरल एंट्री, कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों मिल गया, अब इसका जनरल एंट्री पहला लिखेंगे राहुल अकाउंट, क्योंकि पहला डेबिट ही लिखते हैं, राहुल डेबिट में क्या लिखेंगे, राहुल अकाउंट क्या रिया, इस पे देखे टू, इसके थ्रू कैश के थ्रू ना, तो कैश अकाउंट, यहाँ पर इसका नरेशन और कितने कितने का है 5000 यहाँ पे कर दीजिए, 5000 यहाँ, इसका नरेशन लिखना चाहते हैं आप, इसका नरेशन लिख दीजिए क्या है, बीइंग, ठीक है, बीइंग कैश विथड्रा, बीइंग कैश विथड्रा, ड्रा और कैसे आप बाई कर, राहुल निकलने वाला कौन था, राहुल था ना, इसलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं तो निकलना था अपने पर्सनल यूज के लिए, इसलिए इसका नाम लिखा। अब यहाँ पर हम बहुत राहुल, यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे पर्सनल यूज, पी आर एस कृष्णा,
यानी कि राहुल ने पर्सनल यूज किया था कि पैसा निकाला, समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में ना, समझ में आया गया ना? समझ में आया सिद्धांत के समय ना है कि अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया था, पैसा निकाला था राहुल ने, इसलिए वो जब निकाला था तो प्राप्तकर्ता कौन था? राहुल था, इसलिए वो रिवर था मतलब रिसीवर था, फिर डेबिट हो गया, और ये कैश के थ्रू निकाला था क्रेडिट हो गया, और इसका समझ में आया ना, समझ में आया ना? चलिए अब आगे कर देखते हैं। पहला क्या, उसके बाद क्या है, दसवां नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर हमारा दस क्या कह रहा है भाई? राहुल गिवन बाय कैश मोहर इन 4000, यानी कह रहा है कि राहुल गिवन बाय कैश, राहुल वेरी क्वेश्चन आप ले लेते हैं, राहुल गिवन राहुल गिवन बाय कैश बाय कैश By cash, Mohan in 4000. Mohan in 4000. ठीक है, अब कह रहा है कि जो राहुल है, राहुल क्या कर रहा है? Even cash, राहुल दे रहा है किसको? मोहन, मोहन ने, अब इन आ गया ना, तो मोहन ने कैश के थ्रू क्या किया? राहुल को पैसा दिया, ये बना इसका ना कि मोहन ने कैश के थ्रू क्या किया? राहुल को पैसा पेमेंट कराया, ठीक है? इसका जरा देखिए देखते हैं कैसे बनता है। राहुल ने दिया कैश के थ्रू, डाले मोहन ने दिया कैश के थ्रू किसको? राहुल। तो जब मोहन ने दिया तो यहाँ पे पहला काउंट क्या मिला आपका? मोहन, मोहन ने, क्योंकि देने वाला तो यही है ना, 4000 दे रहा है। मोहन ने जब 4000 दिए, पर्सनल अकाउंट निकल जाता है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहेगा हमारा कि डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहाँ पे देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? कि राहुल ने, मोहन ने पैसा पेमेंट के लिए करा दिया किसको? राहुल को पैसा था। यहाँ पे कैश से दो अकाउंट मिला। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ढूंढना है इसमें डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा, देने वाला गिवन, ठीक है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राहुल गिवन बाय कैश मोहन इन 4000। तो राहुल कैश, राहुल गिवन में दे रहा है बाय कैश मोहन को, ऑफ हो गया है, ठीक है? 4000, यानी कि राहुल जो पैसा पेमेंट करा रहा है मोहन को 4000 कैश के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो मोहन होगा ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राप्त करता, क्योंकि यही राहुल इसको दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। जब ये दे रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, तो किसके थ्रू दे रहा है? तो कैश के थ्रू दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट ये क्यों होगा? क्रेडिट ये क्यों होगा? क्योंकि ये दे रहा है, दे रहा तो ये जा रहा होगा उसके पास से, कैश के थ्रू ही दे रहा था, ये कैश उसके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। जब जा रहा है तो किसके पास जा रहा है? राहुल, मोहन के पास, क्योंकि मोहन ने फोन दे रहा है वो, तो मोहन, इसलिए मोहन पर्सनल अकाउंट का पे आएगा कि तो ये प्राप्त कर, ये रिसीव कर रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो राहुल रियल अकाउंट होगा कैश, क्योंकि कैश के थ्रू जा रहा है, कैश के थ्रू ये जा रहा है, क्रेडिट वाइज हो जाओ, यानी कि ये कैश जा रहा है इसके पास, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया, समझ में आया ना कि ये कैसे हुआ? राहुल गिवन, यानी देने वाला राहुल है यहाँ, ना कि मोहन, देने वाला राहुल है, किसको दे रहा है? मोहन को दे रहा है। जब मोहन को ये पैसा दे रहा है, ठीक है, मोहन क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? मोहन प्राप्तकर्ता हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। और ये राहुल दे रहा है तो कैश के थ्रू दे रहा है, तो क्या हो गया? क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका जनरेटर कैसे बनाएंगे? अब इसका जनरेटर देख लीजिए, बस देखो आराम।
आ जाइए। अभी आप सबसे पहले क्या होगा, डेबिट में मोहन है, इसलिए मोहन मोहन अकाउंट डीआर टू, मोहन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट क्या करेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसका कितना कितना कराना भाई, 4000 और 4000, समझ में आया। अब इसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए बीइंग, ठीक है, बीइंग गिवन कैश, ठीक है, फॉर मोहन या इन मोहन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बीइंग गिवन राहुल फॉर कैश, बीइंग GIVN, ठीक है, राहुल और यानी कि राहुल ने क्या किया, कैश के थ्रू पैसा दिया। ठीक है, समझ में आया ना, इधर समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो ये रहा आपका 10 जनरल एंट्री रहा था। ठीक है, अभी सिर्फ इधर ये बेसिक चीज़ें थी, अब ये सब समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब अगला जो होगा वो सीरियल वाइज होगी और वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और वहाँ हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसमें हम जनरल एंट्री का एक तब वो फॉर्मेट बनाएंगे, उसको हम फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना रहने देते हैं। ठीक है, और आगे हम मिलेंगे आपको नए क्वेश्चन के साथ और नई मतलब वो फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और जय हिंद।